मिलियनरी जो आपको 1 रुपया नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान का सबसे पहला नशर किया हुआ छापा हुआ रुपया है। बाय द वे 1948 में छापा गया था, 1947 तक हमारे पास इंडियन करेंसी ही यहाँ पे चल रही थी। इसकी अहमियत कंपेयर टू ये कोड़ा रुपया ये है कि ये $1 के 3 मिलते थे, ये हमें $1 के 240 भी मिलने लग पड़े इस महीने के पहली तारीख यानी अगस्त की पहली तारीख जब ये वीडियो बन रहा है। इसकी वजह से हमारी इज्जत थी, इसकी वजह से हमें लोग बेकारी समझते हैं एंड हमारी यहाँ पे हालत किसने लाई, कैमरा मेरी तरफ लाए, हमारा जो घिसा पिटा हुआ राटा सिस्टम है उसने, जो हमें तालीम के नाम पे बेचा गया, फेल्ड जनरेशन ने उस पर कोई वोर नहीं किया, लेकिन हम लोग करेंगे। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना इस रुपये का हमें, सो वी विल लर्न थिंग्स, एक्सपोर्ट करेंगे तालीम अपनी, अपना स्किल, डॉलर्स मंगवाएंगे और इसका रुख इंशाल्लाह बदलेंगे, से इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ाद भाई, आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने पैसा उड़ाया था और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उसमें आपने कहा था कि आप अब्बू के पैसे में तो हर कोई याशी कर सकता है, लेकिन हिम्मत है ना तो अपनी कमाई पे याशी करके दिखाओ। ये देखे, चैलेंज एक्सेप्ट भी किया और कबूल भी किया, अपनी कमाई पे iPhone 13 लिया। जो 16 साल मोटिवेशन एक दिन मिलती है और डिसिप्लिन पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सारी की सारी चीज़ें ना डिसिप्लिन मांगती हैं, डिसिप्लिन मांगती हैं कि अपना एक्स्ट्रा वक्त इसमें डालो, डिसिप्लिन मांगती हैं कि अपनी अना मारो, डिसिप्लिन मांगती है कि दोस्ती यारी फजूल की ना रखो, बट बियॉन्ड दैट ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। अमर बच्चन कहते हैं मैं लाहौर में रिक्शा चलाता हूँ, मुझे कोई तरकीब बताएं। अमर, अगर मैं आपकी जगह होता मैं कैमरा लेता, रिक्शे में लगा देता, हर जो बंदा आपके साथ बैठता है, नॉट फीमेल्स ऑफ कोर्स, उनकी प्राइवेसी का आपने ख्याल रखना, बट हर दूसरे बंदे को कहता कि भाईजान कोई मज़े की कहानी सुनाएं, कोई हमें सबक बता के जाएं, मशवरा या लतीफ़ा, ये तीन चीज़ें मैं हर बंदे से पूछता। ईमान से आपका कंटेंट ओरिजिनल होता, आपको उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा एडिट किया चढ़ा दिया, दुनिया देखेगी। ठीक है, अमर रिक्शा वाला जिंदाबाद। आज़ाद भी सही कहते हैं कि तालीम तालीम होती है और रटा रटा होता है। मैंने 16 ईयर्स की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद मुझे 13,000 की जॉब मिली और इसके अलावा मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट जब मैंने एक टाइम पे रियलाइज़ किया कि मुझे अब तालीम, एक्चुअल तालीम हासिल करनी है, मतलब कि मुझे अपनी स्किल्स पर काम करना है, तो मैंने फिर अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू किया। 16 ईयर्स की डिग्री के बाद मेरे हालात ये थे कि मैं 6,000 घर का रेंट नहीं पे कर सकती थी, लेकिन जब मैंने प्रॉपर स्किल्स पर काम करना शुरू किया तो अब मैं 60,000 का रेंट भी पे कर दूं घर का तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब कुछ जो है वो एक्चुअल जो तालीम है यानी कि जो स्किल्स है उसकी वजह से पॉसिबल हुआ। एक सर्कस वाला एक हाथी के बच्चे को चुरा के लाता है जंगल से, अपने हाथ एक किल्ली और आम सी एक रस्सी के साथ उसका पांव बांध देता है। वो जो बच्चा होता है हाथी का बड़ा जोर लगाता है अपनी तरफ से उसको तोड़ने के और अपने को आजाद करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? छोटा होता है उसका। दिन गुजरते जाते हैं, वो हिम्मत हर रोज उसकी कम होती जाती है, इस हद तक कि जब वो बड़ा हो जाता है तो हद तक कि वो मामूली से एक झटके से वो रस्सी तोड़ सकता है, वो कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसके जहन में बैठा होता है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटती। हमारा हाल तकरीबन ऐसा ही है कि जब हम छोटे थे ना, हमें जो एजुकेशन सिस्टम दिया गया था हमें उसको बदलने का मौका नहीं किसी ने दिया। हम छोटे थे, हम बदल नहीं सकते थे, हमारे पास हिम्मत नहीं थी। अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हम समझते हैं कि हम उसको बदल नहीं सकते। प्लीज खुदारा, वो हाथी मत बनिए, वो रस्सी हम तोड़ सकते हैं, हम आजाद हो सकते हैं। मिलियनेयरो, हम ना GT रोड से वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद से मीरपुर, ठीक है? तो ये हम बुजरहान के करीब आए हैं जहाँ पे मेट्रो सिटी बन रहा है और यहाँ पे हमें लाइटें दिखने को मिली। तो मैं दुआ कर रहा हूँ, सब ने आमीन बोलना है, अल्लाह करे कि ये जो सड़क है ना GT रोड, इसके दाएं बाएं सोसाइटियाँ बनती रहें। बस कुछ नहीं यार, ये लाइटें तो मैसर हो जाएं इंशाल्लाह। ठीक है, पूरे तोरो तोर यार, और गाड़ी खड़ी की है, टिक टॉक डज नॉट अलाउ यू टू मेक थिंग विद चलती हुई गाड़ी। आमीन। अच्छा मिली यार, मेरे हाथ में हथौड़ी है, ये मेरा इंस्टीट्यूट का बाथरूम बन रहा है। मैंने आपको बताने के, आई विल नॉट टॉलरेट सब स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान। आइए अंदर, एक टाइल लगी है, इन्होंने ना ग्राइंडर से काटी है। मैंने इनको कहा है जो हॉल सोप होती है ना डायमंड टीथ वाली, वो वाली आपने लेनी है। सो कहा है वो बदल दो, अब ये वापस नहीं लगेंगी, सेम थिंग थोड़ी मारी है, ये टायर चंगी है, आई थिंक इट्स मेड इन पाकिस्तान, इसलिए अच्छी है। ठीक है, मास्टर वाले जिंदाबाद। तो अगेन हियर तोड़ दिया ना, तो दैट आइडेंटिफाइज कि इसको आपने निकालना है एंड यू गोना कट इट विद होल सो, और आप फिर लगाएंगे। कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई।
पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलियनेयर मेरी तरफ से एक छोटा सा टिप, अगर आपको बहुत जल्दी आपको अपनी एम्पायर रन करनी है, सल्तनत रन करनी है बिजनेस वाली, एंड यू डोंट हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, तो हेल्थी ऑप्शन ये रहेगा कि नो आइस नो शुगर, मैंगो एप्पल बनाना, एक बीच में खजूर डाल ली, थोड़े से पैसे फालतू दे देना, दी एंड। अच्छा मिलियनेयरों, हमने अभी शूट कर रहे थे हमारा जो वीडियोग्राफी वाला इश्तिहार है, तो इन्होंने ना ये मेरे वो हाथ में थमा दिया, जिस तरह एंड आई फील लाइक वो पंजाबी मूवी वाला नहीं होता था वो शेरिया, अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं जिसमें वो मिलियनेयरों लगे रहो तो बढ़िया।